गोयान पुरू एटीएम मशीनां चोरपाचे गुन्यांव घडिल्ले. हे फाटभुंयेर आतां एटीएमाच्या भायर सीसीटीव्ही कॅमेराज लावपा सयत चोख सुरक्षा वेवस्था यंत्रणा दवरप सक्तीचें केलां अशी म्हायती दक्षीण गोंयचे पुलीस अधिक्षक अभिषेक धनिया हांणी दिल्या. 1 एप्रिला सावन ज्या एटीएमां कडेन ही सुविधा ना त्या बँकांचेर कडक कारवाय करतले अशें धनिया हांणी सांगलें. ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग होंगी. लास्ट ईयर आपने देखा होगा दो ऐसी एटीएम रॉबरीज हुई हैं, एक पोंडा में हुई थी और एक मडगांव पुलिस स्टेशन में हुई थी और काफ़ी इसमें ह्यूमन क्राई हुआ था. तो बैंक्स के साथ हमने 13 मीटिंग्स करी हैं जिनमें उनको बताया गया है कि आपको क्या क्या सिस्टम्स को अपग्रेड करना है. इसके साथ ही साथ मैं आपको एक ये जो कलेक्टर साउथ ने जो ऑर्डर इशू किया है मेरी रिपोर्ट पे उसको भी मैं डालूंगा जिसमें और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सभी जो बैंक और एटीएम ऑपरेटर्स हैं उनको ये मैंडेटरी किया गया है थ्रू दिस ऑर्डर दैट दे आर सपोज टू पुट सीसीटीवी सिस्टम्स इन प्लेस एंड सिक्योरिटी गार्ड्स. आप देखेंगे मैक्सिमम ऑलमोस्ट 70% हमारे ऐसे केसेस ऐसे एटीएम्स हैं जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता ही नहीं है. एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि एटीएम्स और बैंक ऑपरेटर्स जो हैं वो इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं. इसकी वजह से क्रिमिनल्स को मौका मिलता है यहाँ पर पिलफरगेट करके क्राइम करने का. तो दे हैव बीन मेड मैंडेटरी. इस ऑर्डर की कॉपी हमने सभी बैंक ऑफिशियल्स और एटीएम ऑपरेटर्स को डिलीवर करा दिया है, उनसे रिसीव करा दिया गया है. एंड बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑडिट ऑफ ऑल एटीएम्स एंड और वहाँ पर अगर कहीं भी सिक्योरिटी लैप्स है तो वी आर गोइंग टू रजिस्टर केस अगेंस्ट द कंसर्न एटीएम ऑपरेटर्स और बैंक ऑफिशियल्स. दैट शुड बी वेरी क्लियर टू देम. जनवरी और फरवरी 2023 में टोटल हमारे जो आईपीसी केसेस हैं वो दर्ज हुए हैं 155, जिसमें से 130 केसेस हमने डिटेक्ट किए हैं. यही अगर हम लास्ट ईयर की तुलना में कंपेयर करें तो जनवरी और फरवरी 2022 में टोटल हमारे 313 आईपीसी केसेस दर्ज किए गए थे जिसमें से 284 केसेस वर्कड आउट थे. तो अगर आप इसकी परसेंटेज देखें तो ऑलमोस्ट 50% डिक्रीज इन द क्राइम रेट दैट हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन साउथ डिस्ट्रिक्ट.